अच्छा फिर बैग थाईलैंड ये लोग का कुछ अलग ही सिस्टम है। पहले 8 लोग का हुआ तो 8 एक एक बैग दो, फिर छोटा वाला लास्ट में लेंगे। हम बोले कि वही काम पहले कर लो भाई साथ में, तो ना हो रहा है। रोबोट की तरह आगे एक बैग पीछे एक बैग हाथ में एक बैग, ये होने वाला था हम लोग का प्लान, पर ये नहीं शायद तो वो होगा या तो फिर इस पर आके लगेगा। जो अभी वाराणसी से मुंबई और मुंबई से औरंगाबाद, तो हर जगह हम लोग का टर्मिनल चेंज होते रहा। वाराणसी में 6 से 2 पे गया और इधर 2 से 1 पे, डिफरेंट फ्लाइट मुंबई टू औरंगाबाद। पिछला बार मेरा सीट आगे वाला में था, अभी बीच वाले में है, बीच वाले में है। किस्मत खराब है इनसाइड, दोबारा एंट्री नहीं मिलेगा। गंगा घाट राजघाट है बनारस का, यहाँ के बाद सुबह सारनाथ मेन टेम्पल, इसके बाद फिर वहाँ का वहाँ के बाद फिर औरंगाबाद के लिए फ्लाइट है। उसके बाद पीछे पीछे देखो गुरु जी पीछे है, उन लोग को बोलो। यह ब्रिज का तो लाइट बंद है, ब्रिज का LED स्क्रीन है। ये बच्चे लोग फ्लावर और दिया, फूल और दिया बेचते हैं। अरे ऐसे दौड़ दौड़ के बीच में मत आओ बाबू। ये लोग दोनों हमको इन लोग के साथ जाना है। इंडियन खाना खाएं, इंडियन सामान मंदिर वापस जाएंगे। अच्छा वो सब्जी है सर, वाराणसी एयरपोर्ट पे एंट्री करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ से औरंगाबाद, औरंगाबाद से मुंबई, मुंबई से तो अभी यहाँ से एंट्री करके अंदर में, तो उधर से सारा टूर ख़त्म हो जाने के बाद ये आखिरी टूर है। यहाँ से औरंगाबाद मतलब मुंबई अजंता एलोरा जाएगा, उधर से फिर बैक थाईलैंड। तो अभी वाराणसी एयरपोर्ट में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और अंदर का कुछ ऐसा सीन है। अभी चेकिंग हो रहा है, 8 लोगों का हो गया, 8 लोगों का और बाकी है। ये लोग का कुछ अलग ही सिस्टम है। पहले 8 लोग का हुआ तो 8 एक एक बैग दो, फिर छोटा वाला लास्ट में लेंगे। हम बोले कि वही काम पहले कर लो भाई साथ में, तो ना हो रहा है। बस अभी टाइम क्या हुआ, 9:30 हुआ, 11 बजे का फ्लाइट है। लेट करेगा ये लोग तो लेट होगा। इधर चेकिंग हो रहा है और इधर बाकी इसमें मेरा तो एक सिर्फ ये काला वाला छोटा सा बैग है और बाकी ये सब इन लोगों का है। चेकिंग के बाद फिर देखते हैं। चेकिंग वगैरह तो हो गया और ये हम रोबोट की तरह आगे एक बैग पीछे एक बैग हाथ में एक बैग, रोबोट की तरह पूरा। और बाकी अभी फाइनल गेट क्रॉस करना है, उसके बाद फिर गेट भी नहीं पता मेरा कौन सा गेट है। जो टिकट, मेरा टिकट और पासपोर्ट उनके पास है। इसे एक्सेलेटर, कुछ लोग आगे चल गए, कुछ लोग बाकी हैं। तो ओके बोर्डिंग पास के लिए तैयार है, लाइट भी आ गया उधर और सारे पैसेंजर लोग भी आ गए हैं। और विथिन हाफ आवर, आधे घंटे टाइम हो गया, आधे घंटे में अभी फ्लाइट आएगी, उसके बाद टेक ऑफ होगा। अभी एक घंटा तक लग जाएगा, एक घंटा लग जाएगा। हम लोग का कुछ पैसेंजर आधा इधर बैठे हुए, आधा उस साइड में बैठे हुए, सीट इधर का वेटिंग सीट फुल हो गया है।
गेट नंबर 6 था हम लोग का, उसे 6 से निकाल के दूर कर दिया। और जो मैं शायद ये होने वाला था हम लोग का फ्लैट, पर ये नहीं शायद तो वो होगा या तो फिर इस पर आके लगेगा जो। तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है सर, पैसेंजर लोग वेट में हैं अभी। अभी और डिले होगा, और डिले होगा, पता नहीं कितना। बोर्डिंग पास वगैरह बात करके बस में आए। मेरा सीट आगे में ही है, फ्रंट साइड में, सॉरी। अभी वाराणसी से मुंबई और मुंबई से औरंगाबाद, तो हर जगह हम लोग का टर्मिनल चेंज होते रहा। वाराणसी में 6 से 2 पे गया और इधर 2 से 1 पे। 2 से 1 में आने में टाइम लगा, कुछ लोग एक बस से आए, कुछ लोग दूसरे बस से, में 3-4 लोग ही हैं। तो अभी हम लोग का ये फ्लाइट बोर्डिंग भी लेट से है, मतलब 1-2 घंटा लेट है उसमें, उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा। डिफरेंट फ्लाइट मुंबई टू औरंगाबाद। पिछला बार मेरा सीट आगे वाला में था, अभी बीच वाला में, बीच वाले में है। तो देखते हैं अंदर जाके, बिजी एयरपोर्ट है। चेकिंग बैग अभी निकालना है, इस पर आएगा चल के, चल चल के। सारे लोग इधर वेट कर रहे हैं, बंद पड़ा है, इसी में आएगा बैग। सो फाइनली सब चीज़ हो जाने के बाद
एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं, दोबारा एंट्री नहीं मिलेगा एयरपोर्ट में। बाहर में पास पार्किंग, पता नहीं बस किधर है, बस में यह है आउटसाइड का लुक कुछ ऐसा। गलत लिया गया हमसे, एक तरफ का ये चल रहा है, ये एक हाथ से होने का दिखा पा रहा था। और चल ही नहीं टैक्सी बस, बट हम लोग का ड्राइवर साहब आगे सबसे आगे जा रहे हैं जो, और इसमें मिलते हैं ऐसा कुछ सीन है। बस अभी इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।